दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सारे अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, अपने जिंदगी में मजे ले रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये रेगुलर अभी चल रहा है ये लॉकडाउन में ना, ये टॉपिक बहुत ही ये बोल दो यार कि सबके जुबान पे है। जो भी IT प्रोफेशनल है खास करके उनके दिमाग में तो चल ही रहा है यार, वर्क फ्रॉम होम। व्हाट एग्जैक्टली इट इज इट गुड, मतलब सबके दिमाग में चल रहा है यार वर्क फ्रॉम होम, वाह घर बैठे पैसे कमाओ, वाह कितना अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब भी कोई बोलता था ना कि मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, कभी भी हम घर से काम कर सकते हैं और सारी चीजें हम घर से करते हैं यार। कभी कभी जब इस ऑफिस जाना होता है तो जाते हैं, अदरवाइज हम घर से सारे काम को हैंडल करते हैं, राइट। सो समटाइम हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब हमारे ऊपर जब पड़ना शुरू हुआ यार, एक्चुअली आई एम ऑल्सो IT प्रोफेशनल, सो दैट इज वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ वट एग्जैक्टली इट इज। भाई मतलब इसमें क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम में अभी शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी आजकल ना थोड़ा हेक्टिक लगने लगा यार। अभी एक साल से घर पे रहना, घर पे काम काम करके बोर हो जाना, साथ में अगर काम कर रहे हो, साथ में कोई काम करने वाला बंदा आपके घर में भी हो तो चलता है यार। लेकिन क्या होता है कि आप घर में अकेले वर्किंग मैन हो और काम कर रहे हो, सारे लोग अपना अपने एंजॉय कर रहे हैं और आप सिर्फ काम कर रहे हो, दैट इज सो मच डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन होम, राइट। मैं तो ऐसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि वर्क फ्रॉम होम ना शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छे लगते थे। एक महीने पहले मैंने मतलब बहुत अच्छा लगा था जब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था, चलो वर्क फ्रॉम होम रहेगा, घर से काम करेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन करते करते ऐसा हुआ कि भाई साहब आदत तो लग गई, लेकिन करते करते हमें बोर महसूस होने लगा, ऐसा लगा कि हम प्रेशराइज्ड हो रहे हैं। एंड द वर्क प्रेशर, ओ माय गॉड, एट वर्क फ्रॉम होम ना बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा आपको काम दिए जाते हैं। और अगर आप ऐसे काम में लीन हैं जो ऑन कॉल सुविधा होती है, जहाँ पे आप ये करते हैं और नाइट को भी शिफ्ट होती है या फिर मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, अगर इसमें आप काम करना चाहते हो तो उसमें तो बहुत तकलीफें होती है, राइट। तो ये बहुत मतलब बहुत ही हैक्टिक है, और कभी कभी ऐसा होता है यार, सिचुएशन ऐसा मतलब वर्स्ट हो जाता है कि आपके घर पे कोई काम होता है और उस समय आपको काम करना पड़ता है, उस समय बहुत ही मतलब मुश्किलें आ जाती है यार, सामत सी आ जाती है। और खासकर जब डिलीवरी का समय हो, यानी कि जब आपको क्लाइंट को डिलीवर करना हो आपका प्रोडक्ट, तब उस समय तो पूछो ही मत भाई, उस समय तो हालत ही खराब हो जाती है। और वो हालत हम कैसे बता सकते हैं, मतलब ऐसा होगा कि यार कभी कभी ऐसा होगा कि रात भर जगना पड़ सकता है यार, काम करते 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 आपको परेशानी हो जाएगी यार। मतलब ये समझ नहीं पा रहे यार लोग कि वर्क फ्रॉम होम गुड है या बैड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई फ्रेशर हैं थोड़ा काम कम रहेगा, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। काम तो अभी IT प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खास करके कि बहुत सारे एम्प्लॉय को बाहर किया हुआ है IT वालों ने, तो फिर थोड़ा सा वर्क प्रेशर और भी ज़्यादा हो गया। आपके 8 घंटे के बदले में आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, राइट। सो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट एट ऑल गुड एज ऑफ नाउ, एंड फॉर मी इट इज़ नॉट गुड, बट स्टिल आई एम जस्ट सर्वाइविंग वर्क फ्रॉम होम बिकॉज माई पोस्टिंग इज इन मुंबई एंड कंडीशन ऑफ मुंबई इज सो बैड, सो यू ऑल अवेयर अबाउट, राइट। देखो ऐसे ऐसे करना पड़ता है यार, लेकिन फिर भी ठीक है यार। देखो IT प्रोफेशन में होने से ये फायदा है, IT कंपनी में होने से ये फायदा है कि घर बैठे काम तो कर रहे हो, लेकिन ये सोच लो कि घर बैठे काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर लेंगे घर बैठे, मैट कुछ भी नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। अपना काम तो बिल्कुल छोड़ ही दो, घर घर का काम जो सोचोगे कि हम 10 घंटे के बीच में घर का काम कर ले तो नहीं हो, हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा मतलब काम इधर उधर से निपटाना पड़ेगा, फिर जाके वो आप घर के काम कर सकते हो, 1-2 घंटे निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ेगा यार। अब वर्क फ्रॉम होम में दूसरी बात होती है यार, घर में रहो तो बहुत सारी परेशानियाँ, घर की बातें इधर उधर, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। अगर मान लो कि आप फैमिली मैन हो तब तो पूछो ही मत, घर में बच्चे वगैरह हो गए तो फिर टेंशन ही टेंशन। इस वजह से थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा बोल सकते हैं यार कि अभी हेक्टिक होने लगा यार, थोड़ा बोर टाइप होने लगा है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आपके पास वर्क प्रेशर कम होगा तब
हो सकता है, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम में मैनेजर भी ऐसे ही, मतलब उनको भी पता रह रहता है यार घर पे है सब, तो चलो भाई काम कर सकता है, घर पे खाने वगैरह मिल ही जाते हैं, फिर ठीक है काम कर लेंगे, इस वजह से थोड़ा सा ये होता है। लेकिन मैं अपना बताऊँ, वर्क एक्सपीरियंस बताओ, वर्क फ्रॉम होम में ठीक है अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि हम ऑफिस वाला लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसके घर में अगर दो चार आईटी प्रोफेशनल है, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, साथ में वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो होपफुली उनके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप घर में अकेले हो, आप फैमिली मैन हो, तो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड इवन आपके आपको मैं ये बता दूँ कि यार वर्क फ्रॉम होम में ठीक है, किसी के सैलरी वगैरह कटते तो नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों कटे नहीं, बहुत सारे कंपनीज में सैलरी नहीं काटे हैं, लेकिन काम बढ़ा दिए उन लोगों ने, ठीक है। बट घर पे हो, फैमिली के साथ हो, बहुत बढ़िया है यार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इशू भी हो जाता है। अगर मान लो कि आप विलेज में रहते हो, विलेज एरियाज में रह रहे हो, वहाँ पे आप इंटरनेट की सुविधाएं थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, उस समय भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हम सब सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि हमें फैमिली के साथ रहना है, मम्मी पापा के साथ रहना है, तो थोड़ा सा इतना तो करना पड़ेगा। अगर मान लो कभी कभी कैसा होता है कि इंटरनेट चल रहा हो यार, इंटरनेट अगर बढ़िया से नहीं चलेगा तो आपके काम और भी बढ़ जाएंगे, और ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, फिर तो भाई टेंशन ही टेंशन हो जाती है फिर तो, समझ रहे हो। और सारी जो सुविधाएं होती है, सारी सुविधाएं टीम्स पे हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स राइट, और अदर जो भी है, जो भी स्काइप हो वगैरह है, उससे भी सॉल्व होते हैं। अभी तो कभी कभी ऐसा होता है यार, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा कि मेरा कैसा है अभी वर्किंग लाइफ और कैसा मैं फील कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यार, उसमें बहुत ही मतलब इतना मजेदार मैं कहानियां सुनाने वाला हूँ कि मेरे साथ कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट चेंज हुआ था राइट, और वो प्रोजेक्ट मेरा लॉकडाउन में चेंज हुआ, और उसमें सभी लोग नए, और अब तक मैंने किसी को देखा नहीं यार, सभी सभी मतलब अरे अमेजिंग है यार सभी, मतलब ये वो कहानी मैं आपको शेयर करूंगा अगले वीडियो में, उस वीडियो को स्किप मत करना यार, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, उसमें मैं अपनी सारी शेयर करूंगा कि मैं कैसे कैसे अभी मतलब फील कर रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं यार, वर्क फ्रॉम होम इज गुड बट स्टार्टिंग में, अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं से बोल देना अभी 2 साल और रहो वर्क फ्रॉम होम, तो मैं घर से काम करना यार, मैं तो सर फोड़ने की मन कर रहा है, लेकिन ठीक है यार, ठीक है करना पड़ेगा यार, वैसे मिलते हैं ना इसके लिए, चलो ठीक है, इन सारी बातों को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए थे इस लॉकडाउन में, कंपनी में मेरे साथ, वो सारी बातें बताऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है ठीक है। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं और रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और आईटी प्रोफेशनल की जय, आप लोग बढ़िया से नौकरी करो राइट।